सभी प्रेक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर उमेश बात कर रहा हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं हॉस्पिटल विन पे काम करता हूँ, बेगमपेट में है। आज जो है हमारा टॉपिक रहेगा कि फॉलिश, जो कहते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक हम जानने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ब्रेन जो है कैसा काम करेगा और उसे क्या क्या चाहिए ब्रेन को, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें हम। ब्रेन जो है दो भाग होती है, एक राइट एक लेफ्ट जो होता है, और ये राइट एंड लेफ्ट जो है इंडिपेंडेंट काम करते रहते हैं ये, और कुछ चीज़ों में ये दोनों मिलके कंस्ट्रक्टिव मतलब एक जो है उसका प्रोडक्टिव मीनिंग निकालते हैं। तो ब्रेन जो है काम करने के लिए खून के दौरान चाहिए उसे, और वो खून के दौरान में सर्कुलेशन में हमें उसके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उसके ऑक्सीजन मिलेगा, और उसको जो एनर्जी चाहिए ब्रेन को वो सप्लाई होते रहेगा। ये खून के दौरान जो है हार्ट हमें, जैसा दिल जो है हमें धड़कन जैसा पंप करता है, वो पंप करने की वजह से ब्रेन में ब्लड जाएगी, वो तभी सर्कुलेशन सभी तरफ ब्रेन में फैल जाएगी, दौरान हो जाएगी, तो उस टाइम पे हमें ब्रेन जो है नॉर्मली फंक्शन करना शुरू करेगा। कुदरती ऐसा रहेगा ब्रेन, हमें डिफरेंट एरियाज रहेंगे और डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट फंक्शंस रहेंगे हमें। फॉर एग्जांपल अगर फ्रंट पार्ट का ब्रेन अगर लेते हैं आप, फ्रंट पार्ट का ब्रेन जो है हमें सोचने के लिए, प्लान करने के लिए, उसके लिए चाहिए हमें, और हमारा मैनर्स जो हैं, तमीज़ जो हैं, वो जो है फ्रंट का ब्रेन का और आगे का ब्रेन से आती है हमें। फॉर एग्जांपल हमें 80% ब्रेन जो है लेफ्ट साइड का ही काम करता है, जो राइट 100% रहेगा और राइट 100% के लिए लेफ्ट साइड का ही ब्रेन काम करते रहेगा। और टेम्पल एरिया कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड टेम्पल एरिया, और टेम्पल एरिया में जो है हमें बात समझने के लिए चाहिए। मैं बोल रहा हूँ तो ये फ्रंट पोर्शन ब्रेन बोलते रहेगा, तो आप समझ रहे हैं, तो जो है ये पोर्शन ब्रेन जो है काम करेगा। अगर यहाँ पर लगती है तो हमें समझना मुश्किल हो जाता है और सुनना कम हो जाता है हमें। पीछे का भाग का ब्रेन जो है हमें देखने के लिए चाहिए, और ये ऊपर का भाग का ब्रेन जो है हमें लिखने के लिए या यू नो कैलकुलेशंस के लिए, हिसाब के लिए, और इसके लिए चाहिए। ये अपोजिट साइड का ब्रेन जो राइट साइड का ब्रेन जो बोलते हैं हमें, नॉन डोमिनेंट कहते हैं, ये नॉन डोमिनेंट ब्रेन जो है हमें जैसा ड्रेस करना हो, हमें रास्ता पहचानना हो, या विजन हो, सुनना हो, उसके लिए काम करता है। तो तभी ये डिफरेंट एरियाज ब्रेन जो हैं डिफरेंट डिफरेंट काम करते रहते हैं, अलग अलग काम करते रहते हैं, तो अलग अलग काम करने के लिए तभी ये खून की सप्लाई तभी होती है, तो तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ये। तो खून कब रुकती है हमें, तो उसका पहचान लेते हैं हम। एक जो है हार्ट के बीमारी की वजह से भी खून रुक सकती है, पंपिंग मैकेनिज्म जो रहती है हमें खून जो है उसके दौरान कम होने की वजह से, ये एरिया जहाँ खून सप्लाई कम होता है वो एरिया काम नहीं करेगा, ये एक कारण होती है। दूसरी जो है हमें नली रहेगी, यहाँ हार्ट से जो हम ब्रेन तक जाने के लिए हमें एक छोटा सा नली चाहिए, उसे हम वेजल्स कहते हैं। वो वेजल्स में अगर रुकावट रही, जैसा कोलेस्ट्रॉल हो या चिकनाहट हो, वो चिकनाहट जो है हमें ये वेजल्स में जो है ब्लॉक करेगी, जैसा उसमें डिपॉजिट होके उसमें जमा होके वो खून की रफ्तार जो है कम करेगा, वो तभी खून की रफ्तार कम करेगा। तो जितना वहाँ डिमांड रहेगा हमें उस पर्टिकुलर एरिया में ब्रेन में, वो डिमांड कमी होने की वजह से वो एरिया कम काम करने शुरू हो जाएगा। अगर खून रुकावट कम्प्लीटली बंद हो जाती है तो वो एरिया जो है डैमेज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये एरिया में अगर खून सप्लाई कम होती है तो मेरा सोच बंद हो जाती है, पीछे भाग में होता है तो मुझे दिखाई देना कम हो जाता है, अगर एब एरिया में होता है तो मुझे हाथ पैर अपोजिट साइड का हाथ और पैर जो है गिर जाती है। तो इसके लिए कहते हैं कि सभी फालिश एक जैसे नहीं रहते हैं, तो इसमें हाथ गिर सकती है, समझना बंद हो सकती है, बोलना बंद हो सकती है, हाथों पैरों में चिमटियां भरना हो सकती है, तो ये अलग अलग के फालिश हो सकते हैं हमें। तभी हम इसे कैसा पहचाने, हम यूजुअली बोले तो सभी सोसाइटी में देखते हो हमें, तो ये हार्ट की बीमारी में हो सकती है, वो खून की चिकनाहट बनने की वजह से हो सकती है। चिकनाहट कभी बनती है हमें, हम जितने भी खाते हैं दिन में वो खाना अगर हम खर्च नहीं करते हैं, जैसा जैसा एक्सरसाइज नहीं करेंगे,
अगर हम चिकनाहट ज़्यादा खाएंगे, जैसा ऑयल के फूड्स हो या नॉन वेजिटेरियन फूड्स हो या चीज़ हो या पनीर हो, ऐसी चीज़ें, या स्मोकिंग हो, स्ट्रेस हो, नींद कम रहना हो, इससे क्या है, चिकनाहट ज़्यादा बन जाती है हमें। कुछ बीमारियाँ रहते हैं जैसा ब्लड प्रेशर हो या शुगर की बीमारी हो, डायबिटीज़ हो, इसमें भी चिकनाहट की बनने का ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा हो जाती है। तभी ये चिकनाहट बनने शुरू होती है। फर्स्ट जो डिपॉजिट होता है तो जमा होती है, वो खून के नलियों में डिपॉजिट होती है। अगर वो ये खून की नलियाँ अगर हमें बंद होना शुरू हो जाती हैं तो वो ऑर्गन काम नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें इसे कैसा ट्रीट करें, अभी हमें बड़ा सा सवाल ये होती है, फालिश होने के बाद डॉक्टर को जाके ये पूछते हैं हमें कि ये ठीक होता है क्या, अभी भी ठीक नहीं हो रही है, 6 महीने के बाद भी ठीक नहीं हो रही है, ये पूछना भी गलत है हमें। ब्रेन जो है मैक्सिमम 2 या 3 मिनट ही उसका सर्वाइवल टाइम रहता है, बोले तो बचने का टाइम रहता है, वो 2-3 मिनट में हमें उसे रिवर्स करना पड़ेगा, खून जो है दौरान होना पड़ेगा। अगर खून की रुकावट 2-3 मिनट से भी ज़्यादा होती है तो खून हमारा ब्रेन जो है 6 घंटे 4 घंटे तक सर्वाइव हो सकती है, बच सकती है। 4-6 घंटे के बाद भी अगर खून पहुंचती नहीं है ब्रेन को तो वो एरिया जो है परमानेंटली डैमेज हो जाता है। तो हमें क्या है, फर्स्ट ये समझना पड़ेगा, कोई आदमी अपने डेली रूटीन से हट के, दूसरा ही होता है जैसा हाथ पर गिरना हो, बोलना हो, या नज़र कम होना हो, या फालिश के जैसे आपको दिखाई दिया, तो तुरंत जो है आप डॉक्टर के यहाँ इमीजिएटली जाना चाहिए। और डॉक्टर जो है वो खून पिघलाने का वो इंजेक्शन दे देते हैं, वो इंजेक्शन जो है हमें फर्स्ट 4 आवर्स में ही देना पड़ेगा। फर्स्ट 4 आवर्स में देते हैं तो 90% लोगों में क्या है, वो जो खून की धब्बा जो रहती है या कोलेस्ट्रॉल की जो ये रुकावट रहती है वो जो है हमें डिजॉल्व होती है, बोले तो पिघल जाती है। वो अगर वो पिघल जाती है तो खून के दौरान पर रिस्टोर हो जाएगा और हमें जो है ब्रेन फंक्शन करना, काम करना शुरू करेगा। इसलिए हमें ये इम्पोर्टेंस होती है, तो 6 घंटे तक हम रोकना नहीं चाहिए घर पे। 6 घंटे के बाद क्या होती है, हमें तब डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो डॉक्टर एडवाइज़ करते हैं आपको, एडमिट हो जाइए और ये ट्रीटमेंट शुरू करेंगे हम। तो 6 घंटे के बाद ट्रीटमेंट क्या देते हैं डॉक्टर, डॉक्टर जो है खून पिघलाने के और आपके कोलेस्ट्रॉल के और बाकी के ब्लड प्रेशर के मेडिसिन देते हैं। क्योंकि एक बार खून में अगर एक बार इंसल्ट हो गई तो उसी टाइम पे खून कितने धब्बे हैं डॉक्टर को मालूम नहीं रहता, तो इसके लिए बाकी नेक्स्ट जो है स्ट्रोक नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ऑलमोस्ट 70% चांसेस रहते हैं हमें, तो खून नेक्स्ट फिर बनना नहीं चाहिए या हमको फालिश नहीं होना चाहिए, तो वो रोकने के लिए डॉक्टर जो है आपको एडमिट करते हैं। तो ये मेडिसिन शुरू करने से आगे जो होने वाले जो हैं वो रोक सकते हैं हमें, जो होगा ऐसा है वो 4 घंटे के अंदर ही हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उसके बाद में रही आपकी फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी करते हुए जितना भी इम्प्रूवमेंट आती है हमें, ये कभी भी तोलना नहीं चाहिए हमें, आज इतना आ गया, कितने दिन में आएगा, 2 महीने में आ जाएगा, 3 महीने, ये पूछना ही गलत है हमें। हमें क्या है, एक बार इंसल्ट हो गई हमें ब्रेन में, कुछ हद तक हमें इम्प्रूवमेंट आती है, हमें उसे तोल के चलना नहीं चाहिए, जितना हो गया उतना कोशिश करते रहना चाहिए और दूसरी बार नहीं हुई जैसा उसे देख लेना चाहिए हमें। और इसे कैसे रोकें हम और कैसे पहचाने का तो समझा दिया हमें, और रोके कैसा है इसे, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, जैसे जीने के तरीके चेंज करना चाहिए। सभी, इट्स ए कॉम्पिटेंट वर्ल्ड, सभी लोग कष्ट उठाते हैं, सभी लोग को स्ट्रेस रहता है, परेशानियाँ रहते हैं, लेकिन ये परेशानी को हम कैसे मॉडिफाई करके स्मूथ लाइफ कैसा फंक्शन करें वो देखना चाहिए। जो जैसा मॉर्निंग उठता, मैं कहता हूँ सभी पेशेंट्स को ये कहता हूँ, चिड़िया को देखो, सुबह उठती है 4 बजे, 6 बजे तक वो फ्रेश हो जाती है, 6 बजे जो है अपना अपना खाना खा लेती है, वो खाना खा के फिर जो है अपना उड़ना शुरू करती है, फिर 4 बजे अपने वापस अपने नेस्ट को आ जाती है, 6 बजे तक वहीं पर बैठे रहती है, 6 बजे के बाद खाना नहीं खाती है वो। और ये भी देखो, आप देख के डाल के देखो, शुगर नहीं खाएगा वो, तेल की चीज़ें नहीं खाएगा वो, नमक की चीज़ें कुछ भी नहीं खाएगा वो, जो है नेचुरल जो रहता है वही खाता है। तो इसी से सीख लेना चाहिए हम भी, जैसा अर्ली मॉर्निंग उठे, एक्सरसाइज करें, और उसके बाद में जो है हम तभी भूख लगता है तो ही तभी थोड़ा सा लेना चाहिए, और मैक्सिमम क्वांटिटी फूड यूज़ नहीं करना चाहिए,
बार बार थोड़ा थोड़ा दो दो घंटे को खाना खाना चाहिए, और चिकनाहट चिकनाई नहीं रहना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं लेना चाहिए क्योंकि उसमें कैलोरीज और एनर्जी ज़्यादा रहता है, वो एनर्जी जो है हमें कंजर्व नहीं करना चाहिए, और लो कैलोरी फूड लेना चाहिए और नॉन वेजिटेरियन फूड वो स्टॉप करना चाहिए, और एट द सेम टाइम रेगुलर एक्सरसाइज हो गया, दूसरी आदतें नहीं बनाना जैसा स्मोकिंग हो, जर्दा हो, गुटखा हो, कौन सी भी चीज़ें आदत नहीं बनाना चाहिए, और डेली एक्सरसाइज करके पानी ज़्यादा पीते हुए और ये करते रहेंगे 99% हमें जो है कौन सी भी बीमारियाँ नहीं आते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें स्ट्रेस से दूर रखना, स्ट्रेस से जो भी है, स्ट्रेस कब आता है जब प्रॉब्लम हमें जमा करते जाते हैं, सॉल्व नहीं करते हमें, तब जो है हमें स्ट्रेस आती है, दिन का प्रॉब्लम जो उसी दिन सॉल्व करके नेक्स्ट डे जो है दूसरे जो है ये कर लेना चाहिए हमें, ये स्ट्रेस को अवॉइड करें जैसा, और मिनिमम जो है कम से कम 6 से 7 घंटा नींद होना चाहिए हम सब लोगों को। और ये जो है हमें स्ट्रोक के बारे में बात किए, और प्रोबेबली इफ़ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट कॉल मी अप और यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 9248033755। मैं एक बार रिपीट करता हूँ, यू कैन कॉल मी अप, यू कैन डिस्कस विथ मी, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9248033733, और कॉल करना चाहते हो तो 9248033755। थैंक यू।